बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बनाई जा रही है, और इस वीडियो में मैंने आपको तमाम वो इम्पोर्टेंट चीज़ें रिवाइज करवानी हैं जिनका रिवीजन करना आपके एग्ज़ाम्स को आसान बनाएगा, आपकी लर्निंग को आसान बनाएगा और आपके रिज़ल्ट को अपग्रेड करेगा इंशाल्लाह। So let us begin with the introduction that in this video हम second year की chemistry exam पर focus करने वाले हैं and how to get full command। chemistry आसान नहीं है, chemistry पढ़ना, chemistry पढ़ाना, chemistry समझना और chemistry को याद करना और exam देना और उस exam में अच्छे marks लेना, ये सारी मेहनत किस तरह से आसान हो सकती है। So one by one हम कुछ important बातें discuss करेंगे। So let us begin with the name of God। Chemistry paper 85 marks का this year, because इस साल आपको पता है pandemic की वजह से आपका जो practicals हैं वो नहीं हो रहे हैं, and you are going to appear in the theory paper and theory paper will be of 85 marks। अब ये 85 marks आपके लिए किस तरह स्कोर करना आसान है, मे बी आप लोगों के लिए इस साल जो बच्चे इम्तहान में बैठ रहे हैं उनके लिए, स्पेशली पंजाब बोर्ड के हवाले से मैं बात करूँगी, ये बड़ी गुड न्यूज़ है कि यू आर गोइंग टू अपेयर ओनली इन इलेक्टिव्स। सो 85 मार्क्स किस तरह आपके पेपर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सो लेट अस जस्ट हैव अ लुक ऑन द पेपर पैटर्न। अब यहाँ पेपर पैटर्न में आप देख सकते हैं कि आपके पेपर में सबसे पहले तो आता है ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में पहला सवाल 20 मिनट में करना होता है और यहाँ पर आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो 17 है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 17 MCQs होंगे और हर MCQ एक नंबर का होगा, यानी अगर आप सही MCQ क्लिक करते हैं तो आपको एक नंबर हर MCQ पर मिलता है। दूसरा, ये किस तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके लिए अभी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में पेपर पैटर्न और मार्क्स स्कीम भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव पार्ट, जो कि आपका 2 घंटे 40 मिनट का पेपर होगा और ये टोटल 68 मार्क्स का होगा। अच्छा, अब सब्जेक्टिव पार्ट में सेक्शन 1 में आपको करने होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और ये 44 मार्क्स के आते हैं। अब ये किस तरह से आते हैं, यहाँ आपके पास 3 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। इन तीनों सवालों में आपके पास चॉइस मौजूद है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कोई 8 सवाल करने होते हैं और टोटल आपको 12 सवाल दिए जाते हैं, यानी यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस की चॉइस है और हर शॉर्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स होता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 12 में से 8 सवाल करने होते हैं, यानी यहाँ पर भी आपके 16 मार्क्स पक्के हैं। तीसरा, चौथे सवाल में आपको 6 सवाल करने होते हैं और टोटल आपको 9 क्वेश्चंस गिवन होते हैं, यहाँ पर आपकी 3 क्वेश्चंस की चॉइस है। अब ये तीनों सवाल में जो शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो किसी एक चैप्टर में से नहीं बल्कि पूरी बुक में से पेयरिंग स्कीम के हिसाब से तैयार किए जा सकते हैं। दूसरा, सेकेंड सेक्शन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस का होता है और यहाँ पर आपको कोई से भी 3 सवाल करने होते हैं। अब ये 3 सवाल अटेम्प्ट करके आप 24 नंबर पक्के हैं। अब ये 3 सवाल कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, इन तमाम सवालों में आपके पास 2-2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब ये दोनों पार्ट ए और पार्ट बी एक ही चैप्टर से नहीं होता बल्कि पेयर स्कीम के हिसाब से हम यहाँ पर भी सीखेंगे कि इनमें से 5 में से 3 सवाल अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। पेपर स्कीम को अच्छी तरह जहन में रखना है क्योंकि ये पेपर आपको ये बता रहा है कि आपने किस हिसाब से तैयारी करनी है और किस हिसाब से आपने मार्क्स जो हैं वो अचीव करने हैं। आप अगर माइंड बना के पेपर में जाते हैं कि आप सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पास होने के लिए, तो भी आपके पास शॉर्टकट है, और अगर आप पासिंग मार्क्स में और मेहनत डालकर प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप पेपर तैयार करते हैं तो भी आपका रिज़ल्ट आपके अपने हाथ में होता है। यानी अब हम देखेंगे वो कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपके पास होने चाहिए अगर आप एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं। रिसोर्सेज में सबसे पहले हमारे पास आती है आपकी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक, PTB टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी।
बच्चों को मैं हमेशा ये बात बताती हूँ कि आपका टेक्स्ट बुक पर कमांड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेक्स्ट बुक पढ़ाने में टीचर्स को पूरा 1 साल लग जाता है, और जो टीचर्स जो एक्सपीरियंस टीचर्स पेपर बनाते हैं वो भी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करते हैं, और जब उस पेपर को चेक किया जाता है तो भी आपकी टेक्स्ट बुक को ही ऑथेंटिक सोर्स समझा जाता है, क्योंकि ये आपका मेन करिकुलम है। दूसरा, इस साल हमारे बच्चों के लिए सिलेबस को शॉर्ट किया गया, और गवर्नमेंट ने हमें शॉर्ट सिलेबस करके दिया, जिसको आप स्मार्ट सिलेबस भी कहते हो। ये ALP के हिसाब से यू मस्ट नो कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और उन चैप्टर्स में कौन कौन से एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपका जो पेपर है ना वो आपकी चैप्टर एक्सरसाइज में से ही बनता है। सो चैप्टर एक्सरसाइज में से भी आपके लिए आसानी हो गई, क्योंकि सिलेबस कम है तो आपके वो क्वेश्चंस भी कम हो गए। अब आपको उन क्वेश्चंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में ही अभी हम स्टडी कर रहे हैं। तीसरा, मार्केट में अवेलेबल हैं पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशंस। अब ये पास्ट ईयर पेपर आपको कहाँ हेल्प करेंगे, ये आप मार्क स्कीम के बाद ही जज कर सकते हो। पास्ट पेपर ज़रूरी नहीं आपके पास A+ हो, आपके पास और भी पब्लिशर्स के पास्ट ईयर पेपर सॉल्यूशन है, जो भी आपको अवेलेबल है, बस वो ऑथेंटिक होने चाहिए। सो ये 4 चीज़ें मेरे हिसाब से आपके लिए 100% मार्क्स की गारंटी है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे और सबसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया ना, पेपर पैटर्न आपके बिल्कुल माइंड में इसी तरह एज इट इज़ होना चाहिए कि हाउ मेनी शॉर्ट क्वेश्चंस, कितनी चॉइस के साथ, कितने मार्क्स के लिए, और कितने लॉन्ग क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के लिए, कितनी चॉइस के साथ मुझे तैयार करने हैं। अब हम आ जाते हैं पेपर पैटर्न पर, इसको आप पेयरिंग स्कीम भी कहते हैं। अब ये पेयरिंग स्कीम जो है ये मुझे मदद कर रही है कि मैं आपको इस काबिल कर दूं कि आप अपनी मर्जी की तैयारी करें और अपनी मर्जी के नंबर लें। ये बात कहना आसान है, इसको समझना आसान नहीं है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप अपनी आधी तैयारी कर चुकते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है, यूसी जो पहला सवाल था वो हमारे पास MCQs का था, ठीक है, और यहाँ हमने पूरे पूरे 17 नंबर उठाने। अब ये 17 नंबर किस किस चैप्टर्स में से MCQs आ रहे हैं, हम लकी हैं, हमारे पास चैप्टर नंबर 14 और 16 सेकेंड ईयर कोर्स में शामिल ही नहीं है। सो अब हम देख लें वो चैप्टर्स जिसमें से दो दो MCQs आते हैं, जैसे कि चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15। अब यहाँ पर आपने बहुत ही प्लानिंग से वो तमाम MCQs कर लेने हैं जो कि आपके ALP सिलेबस में मेंशनड है, ठीक है, पहली बात। दूसरा, जब आप ALP अच्छे से स्टडी कर लोगे, उसको लर्न कर लोगे, फिर आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने पास्ट पेपर्स देखने। अब पास्ट पेपर्स में चैप्टर वाइज आपके MCQs मेंशन है, अगर आप वहाँ पर अच्छी तरह से उसको रीड करते हैं और लर्निंग के बाद रीड करते हैं, तो फिर आपको जजमेंट हो जाती है कि ऐसे भी MCQs बोर्ड में हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी वो MCQs जो कि आपके ALP एक्सरसाइज में भी मौजूद हैं और पास्ट पेपर्स में भी मौजूद हैं, फिर वो आपके लिए डबल इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरह से मेरे हिसाब से ये 17 नंबर आपके अपने हाथ में हैं। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पार्ट पर। अब सब्जेक्टिव पार्ट में आपको पता है आपके पास 3 सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये हिस्सा पेपर में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस का नंबर भी ज़्यादा है और इसमें मार्क्स भी ज़्यादा हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले ही पता है कि इस चॉइस का आपने फ़ायदा उठाना है, जहाँ पर आपको 8 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और 12 आपको दिए गए होंगे। इन 8 सवालों में से जो आपने सिलेक्ट करने हैं वो चैप्टर नंबर 1 से 2, 3, 4 और 15 से आ रहे हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, क्वेश्चन का नंबर क्या है, चैप्टर नंबर 1 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 2 से आपको 1 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आना है, चैप्टर नंबर 3 से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 4 से 3 और चैप्टर 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी देर मुझे और बोल लेने दें। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह आपके पास 8 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और चॉइस जो है वो 12 सवालों की है। अब ये 12 सवाल किस तरह से आ रहे हैं,
चैप्टर 5 से 3 सवाल, चैप्टर 6 से 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 9 अगेन 2 क्वेश्चंस, चैप्टर 12 से आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 13 से 3 सवाल, यानी यहाँ पर चैप्टर नंबर 5, 6, 9, 12 और 13 ये क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 8 सवाल, तो इन चैप्टर्स के लिए हम प्लानिंग करेंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसमें आपको 6 सवाल अटेम्प्ट करने हैं और आपको 9 क्वेश्चंस दिए होंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 से 2 क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 8 से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से 2 क्वेश्चंस और चैप्टर 11 से 2 क्वेश्चंस हैं। अब ये सारे चैप्टर्स जो यहाँ मेंशनड हैं, हम किस तरह अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएंगे, पहले फर्स्ट वी लुक के लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, हर शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 मार्क्स का, ठीक है। ओके, और लॉन्ग क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन जो है आपके पास वो 8 नंबर का है, 4+4 के हिसाब से। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में से कितने करने हैं? एनी 3, यानी 3 सवाल अटेम्प्ट करेंगे और तीनों में ए बी सेक्शंस हैं, तो आपके पूरे के पूरे 24 नंबर पक्के। अब ये क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए चैप्टर नंबर 1 से है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट चैप्टर 2 से है, इसी तरह क्वेश्चन 6 का ए पार्ट चैप्टर 4 से है और बी पार्ट चैप्टर 6 से है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट चैप्टर 7 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट चैप्टर 8 से और बी पार्ट चैप्टर 10 से है, क्वेश्चन नंबर 9 का आखिरी सवाल का ए पार्ट चैप्टर 9 से और बी पार्ट चैप्टर 11 से है। अब ये तो सारा पेयरिंग स्कीम भी डिस्कस हो गई पंजाब बोर्ड की सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से, और क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ हैं, कितने नंबर हैं और किस तरह से हम एक अच्छा हेल्दी पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट का आर्ट क्या है, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। अब आपने अपनी पूरी टेक्स्ट बुक में से एएलपी एक्सरसाइजेस उन चैप्टर्स के लिए प्रिपेयर करनी है जो कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पेयर स्कीम आपने वो चैप्टर सेलेक्ट करना है जिसकी वजह से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी सिक्योर हो जाएं और लॉन्ग क्वेश्चन भी सिक्योर हो जाएं। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने क्या सोचना है कि मैंने टेक्स्ट बुक देखी, अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी भी चैप्टर्स की है या जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं या आपने अच्छी तरह से समझे हुए हैं, अब आप उन चैप्टर्स से ये देखें कि कहाँ कहाँ सवाल आ रहे हैं। सपोज़ मैं अपनी बात करूं तो मुझे चैप्टर नंबर 1 और 2 बड़ा आसान लगता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियोडिक टेबल की सारी फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ट्रेंड्स हैं, एग्जांपल्स हैं, तो ये मेरे लिए आसान है, ये मैंने क्लास 9th में 10th में भी सुन रखा था, फिर दोबारा रिपीट हुआ है, सो ये मेरे लिए ईजी है। पर चैप्टर 2 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में बहुत ही 2 या 3 टॉपिक्स हैं आपके पास, सो मुझे ऐसा लगता है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 करना ऑलमोस्ट मेरे लिए रिविजन है। सो अगर मैं चैप्टर नंबर 1 तैयार कर रही हूँ, जैसे मैं शॉर्ट लिस्ट कर रही हूँ ना, अगर मैं चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करती हूँ फॉर एग्ज़ाम, तो चैप्टर नंबर 1 करने से यहाँ पर मुझे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस सिक्योर हो रहे हैं, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन का ए पार्ट 4 नंबर वाला यहाँ पर मुझे सिक्योर हो रहा है, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के हो गए और एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1 से एक नंबर एमसीक्यू का, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हुए, मतलब 4 मार्क्स हो गए शॉर्ट क्वेश्चन में और 4 मार्क्स हो गए आपके लॉन्ग क्वेश्चन में, तो कितने नंबर हैं आपके पक्के? आपके 9 मार्क्स चैप्टर 1 से आप आराम से सिक्योर कर सकते, ये आपके अपने हाथ में। अब आपने चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर करना है तो आपने एक चीज़ नहीं भूलनी कि मैंने क्या पढ़ना है, मैंने एएलपी एक्सरसाइज, एएलपी टॉपिक्स एंड एएलपी क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस, इसमें आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपके एमसीक्यूज़ हैं, ट्रू एंड फॉल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, या आपकी जो वर्किंग एग्जांपल्स होती हैं वो भी मेंशन है एएलपी में, वो सारी आपने प्रिपेयर करनी, तब तो ये 9 नंबर आपके अपने हाथ में है। दूसरा, अगर मैं चैप्टर 2 प्रिपेयर कर रही हूँ तो चैप्टर 2 से 1 तो शॉर्ट क्वेश्चन मेरा पक्का हो गया, एंड दूसरा
लॉन्ग क्वेश्चन में जो मैंने चैप्टर वन याद किया है ना, उसका मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि सेकेंड पार्ट जो है वो चैप्टर टू से आ रहा है. अगेन अब आप नंबर काउंट करो, एक नंबर हो गया आपका एम सी क्यू का चैप्टर टू से, वन मार्क इज़ फॉर एम सी क्यू, वन शॉर्ट क्वेश्चन मीन्स टू मार्क्स एंड वन लॉन्ग पार्ट मीन्स फोर मार्क्स. सो हे यू हैव अगेन सिक्योर्ड 7 मार्क्स. चले जी, आपके 16 मार्क्स की तैयारी हो. इसी तरह आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, 10 मिनट दीजिए अपनी प्लानिंग को. आप शॉर्टलिस्ट कीजिए वो चैप्टर्स जो आपको आसान लगते हैं और आपको याद हो चुके हैं या हो जाएंगे या आप कर लोगे उनको. आपने उनको शॉर्टलिस्ट करना है और आपने उसके बाद में उनको, उनसे आने वाले सवालात आपके पेपर के किस हिस्से में मौजूद हैं और आपको कितने मार्क्स वो दे रहे हैं. अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छा पेपर तैयार कर रहे हैं. फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. सारे स्टूडेंट्स पढ़ें. अगर इस साल पंजाब बोर्ड में आपके 10,000 फॉर एग्जाम्पल 10,000 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं और अगर वो 10 के 10,000 इस हिसाब से प्लानिंग कर लेते हैं तो उन सब के ए प्लस ग्रेड्स आते हैं. और आउट ऑफ 10,000 अगर सिर्फ 2,000 बच्चा इस हिसाब से तैयारी कर रहा है तो सिर्फ वो ही बच्चे अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे. दिस इज़ माई एक्सपीरियंस जो कि मैं अपने पूरा जब से मैं केमिस्ट्री पढ़ती रही हूँ और पढ़ाती रही हूँ. केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आने की वजह बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग होना नहीं होता, बल्कि आप किस तरह से पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से आप एग्ज़ाम को सिक्योर कर रहे हैं, बस ये आपकी आर्ट होती है. मेहनत करते रहिए. जो बातें मैंने आपको बताई हैं अगर आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद है, इन्हें अपनाइए, इन पर अमल कीजिए. इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट, आपके मार्क्स आपकी पसंद के होने वाले हैं. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए. इस वीडियो को वॉच कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचाइए जो कि इस साल सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. मे गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक. अल्लाह हाफिज़.